दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र का डंका बजाने वाला अमेरिकी आज अपने लोकतंत्र को लेकर सेम हो रहे हैं। वहाँ के ही लोग नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज अमेरिकी लोकतंत्र को लेकर सवाल या निशान खड़ा हो गया है। जी हाँ, मामला जिस प्रकार से कैपिटल हिल पर पिछले दिनों हिंसक हुआ उसको देखते हुए ना केवल अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया में ट्रंप समर्थकों की निंदा की जा रही है। इस दाग को धोने के लिए अमेरिकी संसद ने एक नया पहल शुरू किया और अमेरिका के निचले संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया, जिस पर मतदान के बाद ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ दो बार महाभियोग चलाया गया। इस महाभियोग पर यहाँ के सांसदों ने मुहर लगाई, जिनमें 211 सदस्य माने जाते हैं। महाभियोग प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति पर अपने कदमों के जरिए पिछले 6 जनवरी को जिस प्रकार से लोगों को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगा है उसे देखते हुए महाभियोग लाया गया था। इस महाभियोग में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल हिल पर धावा बोलने का इशारा किया, उकसाया, जब वहां के इलेक्ट्रोल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी। उन लोगों के धावा बोलने की वजह से मतगणना प्रभावित हुआ। उस दिन को अगर याद करें तो आपको याद होगा कि आम लोग किस प्रकार से संसद के चेयरपर्सन के सीट पर जाकर पैर फैलाए बैठे हुए थे, जो कि कतई भी शोभा नहीं दे रहा था। इस मामले में अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा था। प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरे देशों पर लोकतंत्र कायम कराने के नाम पर अमेरिका ने कई बार कभी कुवैत पे तो कभी सीरिया जैसे देशों पर हमले किए हैं और आजकल उनका निशाना ईरान और उत्तर कोरिया पर है। लेकिन अगर देखें तो आज अमेरिका में खुद शांति व्यवस्था बहाल नहीं है, लोकतंत्र तार तार हो गया है। ऐसे में पूरी दुनिया एक बार फिर से अमेरिका पर उंगली उठा रहा है और अमेरिका से दबे जुबान मांग की जा रही है कि वो अपने घर को सुधारें, अपने घर में लोकतंत्र को कायम करें। इन्हीं सब को देखते हुए अमेरिका के निचले सदन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ महाभियोग का ये प्रस्ताव लाया था, लेकिन अब खबर है कि उपराष्ट्रपति ने महाभियोग पर दस्तखत करने से मना कर दिया है और उपराष्ट्रपति पेलोसी नहीं चाहते हैं कि ट्रंप को महाभियोग के लिए हटाया जाए। अमेरिका के निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने 25वें संशोधन लागू करने की अपील करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया संसद से, पेंस ने 25वें संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया है। पेंस ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैंसी पेलोसी को लिखे पत्र में कहा, हमारे संविधान में 25वां संशोधन सजा देने या अधिकार छीनने का जरिया नहीं है। इस प्रकार से 25वां संशोधन लागू करवाना एक गलत उदाहरण पेश करेगा, जिसके बाद यह माना जा सकता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उधर अमेरिका में राजनीतिक बदलाव को देखते हुए और प्रशासन में हुए फेरबदल को देखते हुए भारत ने भी अमेरिका से रिश्ते बढ़ाने के कई प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि चीन से हमारा रिश्ता दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। जिस प्रकार से गलवान घाटी में बेवजह चीन ने हमारे साथ किया और खूनी झड़प हुआ, जो कि एक नहीं दो नहीं बल्कि पिछले 5 दशकों के रिश्तों को चीन ने खराब कर लिया है। इसलिए चीन के साथ ना केवल हमारा सैन्य रिश्ता बल्कि व्यापारिक रिश्ता भी खराब हुआ है, जबकि अमेरिका के साथ पहले भी हमारा रिश्ता काफ़ी हद तक अच्छा था और मोदी ट्रंप सरकार ने अपने रिश्ते को काफ़ी मजबूत किया था। आने वाले समय में बाइडन प्रशासन के साथ भी हमारा विस्तार जारी रहेगा और अगर अमेरिका मुफ्त व्यापार को लेकर हमें न्योता देता है तो हम इसके लिए सकारात्मक जवाब देंगे और अमेरिका के साथ व्यापार ही नहीं बल्कि सभी तरह के रिश्तों को मजबूत करेंगे। भारत अमेरिका रिश्ता अगर बढ़ता है तो ना केवल भारत एशिया में बल्कि पूरे दुनिया में भारत के शक्ति को एक बार फिर से ऊंचा उठाने में मदद मिलेगा। परंतु आने वाले समय में
अमेरिका, चीन और भारत के रिश्ते किस ओर जाता है, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।